गांव से थोड़े दूर में एक जंगल था। उसी जंगल में दो चिड़िया और उनके एक एक बच्चे थे। वो लोग खुशी से रह रहे थे। हर रोज दिनचर्या के तरह वो दो ही माएँ पक्षी निकलते थे बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए, और बच्चे दो बच्चे एक साथ रहते थे, खेलते थे, कूदते थे और न जाने कितने कितने मस्ती करते थे। तो फिर दोनों बोलने लगे, बच्चों आज भी हम जा रहे हैं, तुम लोग अपना ध्यान रखना, और हम लोग आज बहुत सारे कुछ नया नया खाना भी जुगाड़ करेंगे जिस तरह पहले करते थे, तो फिर तुम लोग शांत से रहना। फिर वो दोनों उड़कर चलने लगे। फिर वो दोनों चिड़िया उड़कर चलने लगी अपने रास्ते में। देख चिन्नी, अब तो माई चली गई है, अब लोग तो हम लोग बहुत मस्ती कर सकते हैं। हाँ, पर ज्यादा नहीं करेंगे, अगर चोट लग गई तो आने से वो लोग डांटेंगे, पता नहीं कब आएंगे, शायद शाम हो जाता है और आज तो अजीब ही मौसम है, शायद बारिश हो। हाँ तो बारिश हो रही है, चल चल जल्दी घुसने में चल। पता नहीं माई कब आएंगे, बहुत ही ठंड लग रहा है। बस इतना बोलते ही एक औरत आकर दोनों पक्षी को उड़ा ले गई। फिर उनके माएं आकर उनको पुकारने लगी, बच्चों कहाँ गए, बारिश बंद हो गया, अब आ जाओ खाना खा लो। अरे कहाँ गए ये लोग, पता नहीं कहाँ गए सब। फिर वो दोनों माएं पुकारने लगे बच्चों को, फिर कोई आवाज न मिला तो वो पुकारते पुकारते रोने लग गए और घर वापस आ गए। तो फिर बच्चों हमें यही सीख मिलती है कि हम मम्मी पापा को बिन बुलाए कहाँ ना जाएं।